यकीनन आप बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाते होंगे, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे। मेरे इतने ख़ास नहीं होते लेकिन बहुत सादा तरीके से होते हैं, आम जिस तरह हम घर में बनाते हैं। आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाली हूँ साग पालक, जिस तरह मैं घर में बनाती हूँ और अपने तरीके से। आपको उम्मीद है मेरा तरीका पसंद आएगा, तो चले आएँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ। साग को मैंने अच्छी तरह गला लिया है। इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, हरी मिर्चें और थोड़े से टमाटर डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से बॉयल करके पीस भी लिया है। चले अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैंने इसको पकाया किस तरह। ऑयल मैंने डाल लिया है, गरम किया। अब इसमें मैं अदरक लहसुन को भूनूंगी और ये थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। इसके बाद इसमें मैं साग डाल दूँगी। मैं गोश्त के बगैर बना रही हूँ। जब गोश्त डालना हो तो उसका भी तकरीबन यही तरीका है, अलग से गोश्त को भून के आप गले हुए साग में डाल दें। अब ये लहसुन अदरक जो है थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो चुका है, इसको मैंने जलाना नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। अब मैं इसमें साग डालूंगी। साग डाल के मैं इसको अच्छी तरह से भून लूंगी, अच्छी तरह भून लूंगी और मतलब कि इसका पानी खुश करूंगी। वीडियो मेरी बहुत सादा सी होती हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया करेंगी बग़ैर किसी नमूदो नुमाइश के। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें मेरी पोस्ट को और मेरे चैनल को आगे अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साग हो गया है तैयार। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरा सादा सा तरीके से बनाया हुआ साग पालक आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया जहान की खुशियाँ अता फरमाए। दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह बहुत मज़े का, अल्हम्दुलिल्लाह।